मैं कहता हूँ ठीक है, गांधी महात्मा हो सकते हैं, गांधी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, गांधी फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, गांधी आजादी के आंदोलन के अग्रणी नेता हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं गांधी भारत के? क्या गांधी के होने से पहले भारत नहीं था? क्या गांधी के होने के बाद भारत अस्तित्व में आया? और यदि शास्त्रीय परिभाषा को समझें, शास्त्रों में जाएं, तो पिता की क्या परिभाषा है? यो अन्य विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, वो पिता होता है। भारत की रक्षा करी गांधी ने। गांधी ने कहा इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी की लाश नहीं हुई, पाकिस्तान बन गया है। जिस गांधी ने देश की हत्या कर दी, देश को दो भागों में विभाजित कर दिया, तो गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। गांधी राष्ट्रपुत्र भी नहीं है। दुर्गते पित्रो रक्षति सपुत्रा, दुर्गति से जो अपने पिता को बचाता है वो पुत्र होता है। अगर गांधी को पुत्र माने इस भारत का, तो दुर्गति से बचाया नहीं गांधी ने भारत को, दुर्गति में फंसाया। जब बात आई हिंदुओं को पाकिस्तान में रहने की, तो पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को खदेड़ के मार के भगाया, लेकिन गांधी उस पर मौन थे। लेकिन जब बात आई हिंदुस्तान की और लोगों ने कहा कि मुसलमानों का अब इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, तो गांधी खड़े हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मुसलमान तो हमारे भाई हैं, हाथ खोल करके खड़े हो गए कि आप लोग यहीं रहो। तो इसलिए ये ना तो पुत्र हो सकते हैं, ना इस देश के पिता हो सकते हैं।